वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम इस वक्त डेटॉल के वॉश पॉइंट पे हैं। डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश जो है वो आपको 100 बीमारियां फैलाने वाले जरासीम से बचाता है। एंड ये जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि आप लोग जानते हैं, बल्कि शेयर क्या करूंगी, आपको पता ही है कि सफाई निस्फ ईमान है। अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और छोटी छोटी बीमारियों से और बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचाएं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी आदतें हैं जो हमने भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है और अपने बच्चों को भी ये सिखानी है। याद रखें, बड़े जो चीज़ करते हैं बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। अगर माँ बाप घर वाले अपने हाथ रेगुलरली धोएंगे तो बच्चे भी नेचुरली धोएंगे। एंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पानी के करीब नहीं हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें। इस रमज़ान अपने हाथों को डेटॉल सोप या डेटॉल हैंड वॉश से धोएं। ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने पूरे ख़ानदान को बीमारियों से महफूज रखें। थैंक यू सो मच। और हाथ मैंने इसलिए धोए बिकॉज मैंने अब किचन में आना है, और किचन में क्योंकि फूड हैंडलिंग होती है तो हाथ साफ होना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और ख़वातीन, अगर आपके नेल्स लंबे हैं जिस तरह मेरे हैं, तो नेल ब्रश बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। नेल ब्रश का भी जरूर इस्तेमाल किया करें ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप कुछ बहुत ही ठीक लग रही हैं माशाल्लाह। अच्छा हुमा, आपके अगर हम किचन में आ ही गए हैं तो मैं देख रही हूँ कि कुछ बहुत मजे का फ्राई हो रहा है। मुझे लग रहा है सबरोसो की के चिकन पकौड़े आज फ्राई हो रहे हैं। बिल्कुल जी, सबरोसो के चिकन पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, और इसके साथ जो है मैंने लेमन एंड पेपर जो है उसका टैंक बनाया, और उसके अंदर थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते और जो है नींबू काट के वो डाल दिया, और अफ्तारी से पहले इतनी देर इसलिए बना दिया ताकि अच्छे से पुदीने का फ्लेवर और नींबू छिलके के साथ, चूंकि काट के डाला है तो अच्छे से उसका फ्लेवर बिल्कुल। अच्छा, सबरोसो के बारे में पहले एक बात बताऊंगी एंड देन मैंने टैंग का भी स्पेशल शुक्रिया अदा करना है, और मैं वो भी बताऊंगी क्यों। पहली दफा पाकिस्तान में सबरोसो ने इंट्रोड्यूस किया है फ्रोजन चिकन कचोरियाँ। प्लीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है। पफी कोटिंग, नो हैवी फीलिंग, वेरी हाइजीनिक और अच्छा मीट की क्वांटिटी। आजकल कचौड़ियाँ मार्केट से खरीदने के लिए जाओ ना, जो रेडीमेड जो स्टोर वगैरह पे मिलती हैं, तो प्योर आपको वो मैदा मैदा ही मिलता है। बट सबरोसो की जो चिकन कचौड़ियाँ हैं दे आर वेरी मीटी एंड डिलिशियस। हमने कुछ दिन पहले वो भी ट्राई की, फिर आज हम लोगों ने कहा कि भाई पकौड़े दूसरे तो खाते हैं, चिकन पकौड़े ज़रूर खाने हैं, तो आज हम सबरोसो के चिकन पकौड़े खा रहे हैं। और इसके साथ अगर कोई ठंडी ठंडी यमी सी लाइट सी ड्रिंक हो जाए तो क्या ही बात है। तो हमने बनाया लेमन एंड पेपर टैंग। अच्छा, टैंग के बहुत से फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, बट नींबू पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान इंजॉय करता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। लेकिन जब नींबू का रस निकालना, उस पूरी प्रोसेस से गुजरना बड़ा लंबा चौड़ा होता है। सो थ्रू टैंग आप वेरियस अदर ड्रिंक्स भी बना सकते हैं, या प्योर अगर टैंग भी लें तो ये बहुत ही मजे का है। ऑरेंज, मैंगो, मौसमी, पाइनएप्पल एंड लेमन एंड पेपर फ्लेवर मार्केट में इजिली अवेलेबल है। पांचों जायके जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस एक तो ये हमारे हो गए चिकन पकौड़े, फिर हमारी ड्रिंक हो गई टैंग की लेमन एंड पेपर, उसके अलावा हम क्या बना रहे हैं? अच्छा जी, आज हम बुरीटोस बना रहे हैं, बेसिकली ये रोल्स हैं, और इसके लिए आपको टोटीला रैप चाहिए, टोटीला की रोटी चाहिए, आपको रेडीमेड भी मिल जाएगी। आप खुद भी जो है सिंपल जो है मैदा उसको नमक के साथ गूंद दीजिए और उसकी रोटियां बना सकते हैं। इनको सेक लेने आपने उसकी जो फिलिंग है उसके लिए आपको कीमा चाहिए। कीमा मैंने प्याज के साथ जो है इसको सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के इसको भून लिया है। इसके अलावा आप शिमला मिर्च ले सकते हैं, ऑलिव्स है मेरे पास, चीज़ जाएगी इसमें, कॉर्न जाएगा, साथ में सावर क्रीम आपने बनानी है, और सावर क्रीम बनाने के लिए जो रिच क्रीम आपको मिलती है पैकेट्स में वो आप ले सकते हैं। उसके अंदर लेमन आपने स्क्वीज़ करना है, थोड़ा सा दूध ऐड करना है, किसी भी बॉटल में डालिए, अच्छे से उसको शेक कीजिए, और कोई भी ऊपर कपड़ा लगा के 24 आवर्स के लिए रख दीजिए, तो इस तरह से आपकी सावर क्रीम रेडी हो जाएगी। सावर से मुराद खट्टा, तो वो थोल्की सी जो उसके अंदर तीखा खट्टा फ्लेवर आता है वो। तो जो ये रैप की रोटी है वो हम लेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी हम सावर क्रीम लगाएंगे जी, और इसके ऊपर जो ये हमने मैंने कीमा जो है इसको भून के रखा हुआ है वो डालेंगे। अच्छा, बाय द वे मैं तो जब ये बनाती हूँ ना, अगर आलू कीमा या शिमला मिर्च कीमा या मटर कीमा भी बनाऊँ, मैं वो भी डाल देती हूँ अंदर, बिकॉज बात ये है कि अक्सर खाना कभी जब घर में लेफ्ट ओवर हो जाता है तो उसको जब आप रीयूज इस तरह से करते हैं तो घर वालों को यही लगता है कि आपने कोई नई चीज बनाई है। और घर घर में मेरे ख्याल से ये चीज और ऐसी छोटी मोटी चीजें तो अवेलेबल होती हैं,
तो अफ्तार में आप जो चीज़ें इस तरह की हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ, ये देखें कि हम कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति यूज़ कर रहे हैं सब रोसों के, ये चिकन पकौड़े फ्राई करने के लिए, और इतना आई कॉन्ट टेल यू कि इतना लाइट ऑयल है, ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है। आफ्टर ऑल हमारे साथ 1962 से साथ निभा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि अच्छी क्वालिटी का ऑयल ना हो। एंड ये देखें कि मतलब बहुत, और ऑयल भी बिल्कुल क्लियर है, आई मीन यू कैन री यूज इट अगेन ऑल्सो। एंड हम यकीन रखते हैं कि मज़ेदार खाना बनाना एक आर्ट है, और जो 1962 से साथ चल रहा है वो इसीलिए आपके साथ चल रहा है। और याद रखें, खाना तो बहाना है। एंड बाय द वे, इनके साथ भी आप इंजॉय एक और चीज़, एक बड़े मज़े की ड्रिंक कर सकते हैं, विच इज़ मिचेल स्क्वाशेस, जो रियल फ्रूट पल्प से बनाए जाते हैं। एक रिफ्रेशिंग एंड फ्रूटफुल एक्सपीरियंस होता है। 5 फ्रूटी फ्लेवर्स में, मैंगो, लेमन, मिक्स फ्रूट, लेमन वाले एंड ऑरेंज, और ये आपको रिफ्रेश एंड हाइड्रेटेड रखता है। अभी आप अपने वो बना रही हैं, तो मैंने क्या सोचा कि ये रोज पेटल के जूप किचन टॉवल्स जो हैं उसको मैंने नीचे ये देखे रख दिया, और इसके ऊपर अब हम पकौड़े डाल देंगे चिकन के, ये इसको अब्सॉर्ब कर लेगा और ऑलमोस्ट 260 कैलोरीज तक जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। अच्छा फाइनली क्या कहेंगी आप माँ? अच्छा जी, ये अब मैंने इसके अंदर जो फिलिंग करके, मैंने एक जो है रैप करके, रैप का बस मैं बताना चाह रही हूँ कि रैप जो है आपने खुला नहीं छोड़ना, इसको मैंने चारों साइडों से पैक कर दिया है ताकि इसकी फिलिंग गिर ना सके बाहर। और ये जी, ये अब मैंने कर देना है यूँ पैक, और पैक करने के लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले एक साइड जो है उसको फोल्ड करना है, उसके बाद साइड्स वाली जो दोनों साइड हैं वो इक्वली इसको फोल्ड करके और इसको इस तरह से रैप कर देना है। और ये रैप करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कलर जो है आप पनीनी मेकर में दे सकते हैं। अच्छा, अब आप पनीनी मेकर में इसको डाल दें, लगा दें तो ग्रिल पैन में भी, अगर आप ग्रिल पैन के अलावा आप तवे के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाइए और उसको दोनों साइड से ब्राउन कर लीजिए। अच्छा उमा, हम फाइनल लुक जो है अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे किचन की, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत वाकया कासिम अली शाह ने हमारे साथ शेयर करना है। जी कासिम भाई। शुक्रिया जुगन। ये वाकया इस तरह से है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके घर पे एक शख्स मेहमान हुआ। मेहमान जब खाना खा रहा था तो जो दस्तरखान बिछा हुआ था उस दस्तरखान पे कुछ दाग लग गए, कुछ घी के दाग लग गए और कुछ टुकड़े गिर गए, थोड़ा सा दस्तरखान ख़राब हो गया। तो उसने क्या देखा कि हज़रत अनस बिन मालिक ने अपनी घर की मुलाजमा को कहा कि इस दस्तरखान को जलते तंदूर में डाल दीजिए। वो ये समझा कि शायद इसको जलाना मकसूद है, तो उसने आंखों से देखा कि वो दस्तरखान जैसे ही आग में डाला गया, थोड़ी देर के बाद बाहर निकाला गया, तो वो दस्तरखान बिल्कुल साफ था, उस पर कोई दाग नहीं था। वो बड़ा हैरान हुआ और सहाबी रसूल से पूछने लगा कि ये बताइए कि दस्तरखान आग में जलना चाहिए था लेकिन ये आग में जला नहीं। उन सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक ने ये बताया कि कभी इस दस्तरखान से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक और चेहरा मुबारक साफ किया था। और ये निस्बत, ये हवाला मिलने के बाद मैं इसे जब भी आग में डालता हूँ ये जलता नहीं है। और क्या खूबसूरत तशरीह इसी वाक्य की मौलाना रूम करते हैं। आप फरमाते हैं कि सोचिए, एक बेजान को अगर निस्बत मिलती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसे आग नहीं जला सकती। जिस दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और मोहब्बत हो वो जहन्नुम में कैसे जल सकता है, उसे आग कैसे जला सकती है। निस्बत उसको बचा लेती है, बेजान को। गारा, ईंट, सीमट, पत्थर, यही काबा है, लेकिन हवाला ये है कि वो रब का घर है, हमारे लिए मोतबर है। पानी डबो देता है लेकिन वही पानी मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डबोता, क्योंकि हुक्म आ जाता है रब का कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डबोना। हम अपनी जिंदगी में भी देखें, मुड़ के देखें, एक घर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ज्यारत में था, वहां ब्लास्ट होता है, वो घर खत्म हो जाता है, लेकिन चंद ही दिन के बाद दोबारा घर बना दिया जाता है, क्योंकि उस घर को निस्बत होती है बाबा कौम से, मोहम्मद अली जिन्ना से, और वो दोबारा घर बन जाता है। यानी चीजों में निस्बत और हवाला इतना अहम होता है। आप जाइए कोई ऐसी जगह देखिए, इकबाल का घर देख लीजिए, म्यूजियम मौजूद है, एक एक चीज संभाली हुई है। वजह क्या है? जिस चीज को किसी बड़े इंसान से निस्बत मिल जाती है वो चीज अमर हो जाती है, वो चीज चीज नहीं रहती बल्कि तबरक और ज़ियारत बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है कासिम भाई आपकी। आप ऐसे वाकये और ऐसे वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर करते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है और अपने गिरबान में झांकना शुरू कर देता है। जब घर की बात होती है और आपने भी अल्लाह के घर की बात की, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उमरे का टिकट निकालेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम आ गए हैं शेफ हुमा किरमानी के किचन में और आपको पता है कि यहाँ हमेशा लजीज लजीज चीज़ें तैयार होती हैं। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान ब्रॉट टू यू बाय अलूर ऑर्चर्ड, और उमरे का टिकट अभी बाकी है जो मैंने वादा किया था ब्रेक से पहले। लेकिन ये देखिए कि फटाफट आपके सामने इफ्तारी तैयार हो गई। बिल्कुल, और जो है हमने चिकन पकौड़ा बनाया, उसके साथ रैप्स बनाए। रैप्स मैंने रेसिपी फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। चिकन आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, उसको आपने प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेना है। साथ में ऑलिव्स डालिए, कॉर्न डालिए, सावर क्रीम बनाइए, कोई मायनीज़ कुछ और कैचअप मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन इसको सर्व हम ज़रूर करेंगे मिचेल्स की कैचअप के साथ। और उसको आप किसी भी पैन में, ग्रिल पैन में कलर दे सकते हैं, इसके अलावा टोस्टर में अगर आपके पास पनीर टोस्टर है उसमें कलर दे दीजिए, उसे सर्व कीजिए। और टैंग की सॉल्ट एंड पेपर ड्रिंक भी मिंट मार्गरिटा टाइप हमने तैयार की है, बहुत ही लजीज सी। उसमें मिंट ऐड करके फ्रेश पुदीना ऐड करें तो क्या ही बात है। देन जो चिकन पकौड़े हैं वो सब्रोसो के हैं, एंड सब्रोसो के इन चिकन पकौड़ों के साथ हम मिचेल्स के टैंग का इस्तेमाल करेंगे। फ्राई की हमने अपनी सारी चीज़ें, जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया वो था कश्मीर वनस्पति ऑयल। थैंक यू सो मच शेफ हुमा, फटाफट चीज़ें तैयार कर देती हैं। और व्यूअर्स यही हम आपको दिखाना चाहते हैं, लाइव कुकिंग का पॉइंट ही ये होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं सहरी के वक्त के, ओह इफ्तारी तैयार करनी होगी क्या करेंगे। हम इसीलिए लाइव कुकिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपके सामने तैयार करते हैं कि अगर आप चाहें तो फटाफट चीज़ें तैयार हो सकती हैं, शर्त यह है कि ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में। थैंक यू सो मच शेफ। अब वक्त हो गया है उमरे के टिकट का, और मैं चाहूँगी कि मेरे बहुत ही प्यारे भाई कासिम अली शाह जो हैं वो अपने मुबारक हाथों से हमारे उमरे के विनर का नाम निकालें। जब तक आप विनर का नाम निकाल के अनाउंस करेंगे, तब तक मैं ये ज़रूर याद करा दूं आपको कि अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से अपने कस्टमर्स के लिए डेली बेशुमार कीमती इनामात निकलते हैं, जिनमें आज हमने मोबाइल फ़ोन निकाला, LCD निकाला, बाइक निकाला, और अब उमरे के टिकट का वक्त हो गया है। 4 गाड़ियां भी रमज़ानुल मुबारक में निकलेंगी, एक पहले अशरे में, एक दूसरे अशरे में, और 2 गाड़ियाँ तीसरे अशरे में निकलेंगी। एंड एक शर्त है कि अपने बकिया वाजिबात जो हैं वो 20 रमजानुल मुबारक तक प्लीज क्लियर कर दें, ताकि आप भी इस कुरानदाजी का बाय डिफॉल्ट हिस्सा बन जाएं। उसके अलावा तमाम देखने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, 5 मरले का प्लॉट जीतने का शानदार मौका है। अभी अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, टैग करें, शेयर करें, और जीतने का मौका आप भी हासिल कर सकते हैं। 27 रमजानुल मुबारक को 5 मरले के प्लॉट के विनर का नाम अनाउंस करेंगे, और इस वक्त उमरे के टिकट के विनर का नाम जी, विनर है मोहम्मद रिजवान, लाहौर से इनका ताल्लुक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BFG451712। बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद रिजवान, बहुत बहुत मुबारक हो, आप जा रहे हैं रब ताला अल्लाह ताला के घर। और जब ये बात हो रही है तो शहबाज भाई कोई कलाम भी इससे रिलेटेड सुना दे। शहर मदीना जद में तके ठंड पे रह गया शहर मदीने, आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया, आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गया, आका मेरिया अखियां मदीने विच रह।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਆ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਲੈ ਗਈਆਂ ਆਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਜ਼ਮ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪੇ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਚੌਕਟ ਦੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸੱਗ ਸਰੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਬੈਠੇ ਉਮਰ ਸਦੀ ਉਸਮਾਨ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਥਾਵਾਂ ਆਕਾ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਾਦਿਕ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਜੀ।
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह मेरे बहुत ही प्यारे भाई जी। कासिम भाई बिल्कुल एंड में हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या खूबसूरत इन्होंने कलाम पढ़ा और ऐसे ही लग रहा था कि हम गुंबदे खिजरा के पास बैठे हैं। जो इन्होंने मंजर निगारी सारी की ऐसे लग रहा था आंखों के सामने देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पढ़ाई, बहुत शुक्रिया। और कासिम भाई इंशाल्लाह कल हमारी फिर मुलाकात होगी, हमारे भाई भी हमारे साथ होंगे। आई होप के आप लोग शौक से देख रहे हैं नूरे रमज़ान, बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से हमारी पूरी टीम ने इस प्रोग्राम को आपके लिए पुट टुगेदर किया है और रोज़ हम आपके सामने हाजिर होते हैं 3 से 7 बजे तक। अभी भी प्रोग्राम बाकी है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, कारी नुमान लाइव अजान आपके सामने पेश करेंगे, उसके बाद फिर हमारे कवाली का सेशन होगा, शहबाज फयाज साहब और उनके हमनवा हमारे साथ होंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। कासिम अली शाह, जुगन काजिम और मेरे प्यारे भाइयों की तरफ से खुदा हाफिज़। Thank you.